गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दसवीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की चल रही है ना। विषय मैथ है और आज जो पिछली वीडियो थी, नवी वीडियो थी, उसमें मैंने आपको संबंध और फलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, पूरी नहीं है वो, है ना, लेकिन थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि भाई इस टाइप के फलन या संबंध हमारे पास होते हैं। तो आज मैं एक नया चैप्टर ले रहा हूँ और मैथमेटिकल इंडक्शन है, यानी गणितीय आगमन सिद्धांत है। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या होता है कि अगर कोई जैसे फार्मूले बन रहे हैं तो उस फार्मूले को बनाने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग मेनली किया जाता है। और कई जब हम आगे जाके कंपटीशन वगैरह देते हैं, कोई बच्चा IIT वगैरह का एग्ज़ाम देता है या कोई कंपटीशन देता है, तो कई बार क्या होता है, एक बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे। सॉल्यूशन अगर हम उनका करने बैठ जाएँ तो 1.5-2 पन्ने का सॉल्यूशन उनका होता है। जैसा अभी मैं यहाँ सॉल्यूशन कराऊँगा आपको, आप देखेंगे कि 1.5-1.5 पन्ने का, 1-1 पन्ने का सॉल्यूशन होगा। लेकिन अब अगर हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के दौरान तो हम 1.5 पन्ने का काम कर ही नहीं सकते, हमें एक लाइन में ही आंसर चाहिए। उस एक लाइन को आंसर बनाने के लिए, उस एक लाइन का आंसर बनाने के लिए हमें गणितीय आगमन सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है गणितीय आगमन सिद्धांत, है ना, ये नाम है टॉपिक का हमारा। और जैसे अब इसको यूज़ कैसे करते हैं पहले इसको समझिए, और इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ही लेते हैं, उस एग्ज़ाम्पल के तौर पे ही हम इसको सिद्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए सवाल दिया हुआ है कि 1+3+3² + 3³ इस प्रकार से अनंत पदों तक की, ये n पदों तक की कोई श्रेणी है, 3n^n-1, और इसका जो आंसर है वो 3n-1/2 आ रहा है। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो अगर ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, वैसे तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, देखिए 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है ना, फिर उसके ऊपर एक पावर आ रही है, तो ये लगातार एक गुणोत्तर श्रेणी का रूप लेते हुए ये काम शुरू होता है और इसका आंसर ये दिया गया है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या ये सत्य है या नहीं है, जाँच करनी है। तो कैसे जाँच की जाती है, जाँच करने का तरीका ये होता है कि आपको एक एक पद लेके ये चेक करना है क्या इसके RHS और LHS बराबर हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत ये कहता है कि हर चीज़ को चेक करने का तरीका हमारे पास आ जाता है। जैसे अगर हमने लिया n बराबर 1 का मतलब होता है कि यहाँ से पहला पद उठाइए, है ना, और यहाँ पर n का मान रख दीजिए। तो जैसे n = 1 ले लिया तो इसका जो LHS है पहला पद केवल, तो वो 1 है, पहला पद 1 हो गया। फिर RHS पे आ जाइए, RHS क्या है, RHS ये वाला है, इसके अंदर n की जगह पर 1 रख दिया, यहाँ पर n की जगह पे 1 रखा, -1 हो गया, 2 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2/2 = 1 हो गया। अब देखिए LHS में भी 1 आ रहा था, RHS में भी 1 आ गया, तो LHS RHS सेम हो गए ना, बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कि LHS = RHS। ठीक है, इस तरह से ये सिद्ध हो गया। सेम इसी प्रकार से n = 2 के लिए भी यही काम करना है, चेक करना है, इसको 3 बार चेक करना है। तो n = 2 के लिए काम करते हैं, तो n = 2 करेंगे तो यहाँ से 2 पद उठाएंगे, तो इसका LHS आ गया 1+3 = 4। और RHS देखेंगे, RHS ये वाला आ रहा है, RHS में यहाँ पर n की जगह पर 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा 3^2 - 1/2, तो 9 हो गया, 9 में से 1/2 यानी 8/2 हो गए, = 4 आ गए। तो वैल्यू क्या मिली, LHS = RHS, देखिए सही है ना, यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आया, दोनों के मान बराबर आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, LHS = RHS, सेम है बिल्कुल। फिर n = 3 के लिए भी यही काम करना है, जब n = 3 के लिए करते हैं तो फिर 3 पद ले लेने हैं हमको यहाँ से, तो हम यहाँ से ले लेंगे LHS में क्या क्या आया, 1+3+9, है ना, 3 का स्क्वायर है तो 9 बोलेंगे, 9 + 1 = 10 और 3 = 13 हो गए। अब RHS में भी 3 रख दीजिए, यहाँ पर n के स्थान पर 3 रख देंगे, तो 3³ - 1/2 27 - 1/2 तो 26 हो गया, 26 में 2 का भाग लगा दिया 13 आ गया। और अब देखिए ये भी 13 है, ये वाला भी 13 है, और LHS = RHS। तो ये काम हमको 3 बार करना है, n = 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, और 3 बार जब ये काम हम कर लेते हैं तो हम ये कह देते हैं कि भाई 3 बार अगर हमने ये सिद्ध कर दिया तो इसी प्रकार से जब ये आगे भी जाएगा तो ये सारी वैल्यूज़ बराबर आएंगी, चाहे हम n का मान कुछ भी ले लें। ठीक है,
फिर हम ये मान लेते हैं कि भाई चल ये एन पद हैं, एन पद मतलब कोई गिनती नहीं है, आप जहाँ तक जाना चाहें वहाँ तक जा सकते हैं, तो ये एन पदों तक की बात कर रहा है, एन पदों तक की श्रेणी बना रहा है ना। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि भाई जैसे एक दो तीन चार करते करते भाई आगे गए, दसवें पद पे गए, पंद्रहवें पद पे गए, सोलहवें पद पे गए, है ना, हज़ारवें पद पे गए, दस हज़ारवें पद पे गए, तो ये सभी पदों पर ये वैल्यूज़ LHS और RHS को बराबर सिद्ध करेगी, हमेशा करेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि अगर हम n बराबर k ले लेते हैं तो क्या होगा, है ना। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, अभी तक तो हम संख्यात्मक मान लिख रहे हैं, लेकिन अब हम संख्यात्मक मान नहीं ले रहे, और संख्यात्मक मान की बजाय अब हम लेने लग गए कि अगर कोई इमेजिनरी मान हमारे पास होता है, जैसे k होता है, k की तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, है ना, k को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसमें रखेंगे, मतलब k पद k इसमें रख देंगे LHS में, तो जो LHS बनेगा वो LHS ये है, इसमें k, तो एक प्लस दो तीन, तीन का स्क्वायर हो गया, फिर तीन का क्यूब हो गया, ऐसे करते करते हम k पदों पर पहुंच गए। अब k पद पता नहीं कहाँ पे हैं, तो हम n के स्थान पे k रख देते हैं, k माइनस वन हो गया, ठीक है, k पद रखेंगे तो k माइनस वन आएगा, n पद होंगे तो n माइनस वन आएगा, मतलब जितने भी पद होंगे ना उससे एक पद कम पावर रहेगी। जैसे देखिए ये चौथा पद है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद है ना, ये पद चौथा है, पावर कितनी आई, तीन, पद चौथा है पावर तीन, मतलब एक पावर कम चल रही है जो पद की संख्या है। ये तीसरा पद है, तीसरा पद है पावर एक कम है, तो दो पावर आ रही है ना, एक पद कम है। यहाँ पर दूसरा पद है तो एक पावर है, तो जितने भी पद की बात कर रहे हैं पावर उससे हमेशा एक कम चलेगी। तो हमने कौन से पदों की बात की, हम के पदों की बात कर रहे हैं, के नंबर तक जा रहे हैं। जब आप के नंबर तक जा रहे हैं तो पावर क्या रहेगी, फिर के माइनस वन, एक पद कम हो गया, है ना। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, इसमें भी के रख देते हैं यहाँ पर, तो तीन की पावर के माइनस वन बटे दो। इसका मतलब ये निकला कि अगर आप इन सब का योग करते हैं तो योग करने के उपरांत आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक। इसको रख दिया नंबर एक, ये समीकरण नंबर एक हो गया। अब हम एक चीज़ और चेक करते हैं कि एन बराबर के प्लस वन, अगर एन बराबर के प्लस वन कर दिया, के प्लस वन मतलब के तक तो हम काम कर ही रहे हैं, के तक तो हमने काम कर ही लिया, अगर हम एक पद और आगे बढ़ जाएं तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, देखिए जब हम n इसका LHS क्या होगा, अगर एक पद आगे बढ़ते हैं तो k तो ये है ही यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा दोबारा, k पदों का काम हम कर चुके और उससे एक पद और आगे बढ़ जाएंगे तो k प्लस वन आ जाएगा, है ना। k पदों तक हम हैं, जैसे मान लीजिए हम 10 पद तक हैं, ये मान लीजिए 10 होता तो 10 पद पे हैं, अब हम 11 पद पे जाना चाह रहे हैं तो पहले तो 10 पद आएंगे ना, उसके बाद ही तो 11 आएगा, तो ये वैल्यू बन जाती है तीन, तीन का स्क्वायर, तीन का क्यूब, इसी क्रम में आगे गए, तो ये तो हैं k पद, तीन के माइनस वन, ये तो k पद पे बात हो रही है ना। अब हमें जाना है k प्लस वन पे, तो जब हम k प्लस वन पे जाएंगे तो अगला पद होगा तीन की पावर k, क्यों होगा, अभी बात बताइए, जो पद है, पद का नंबर जो है पावर उससे एक कम रहती है ना, तो पद का नंबर क्या है k प्लस वन, तो पावर कितनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो प्लस वन में से एक कम हो गया तो क्या बच गया, k बच गया, तो ये आंसर आ गया। अब हमसे कहा गया, अब हम चेक कर रहे हैं इस चीज़ को, है ना, तीन बार तो हमने ये चेक कर लिया, तीन बार हमने पहले ये चेक किया, बराबर प्राप्त हुए। अब हम एक काल्पनिक संख्या लेके चलते हैं, उस काल्पनिक संख्या के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर आना चाहिए। अब हमने ले लिया एक और अन्य पद ले लिया, एक पद ज़्यादा ले लिया, इससे ज़्यादा लेने के बाद उसका LHS बन गया। अब आपको ये देखना है कि जो RHS इसका बनेगा वो RHS इससे मैच होना चाहिए, तब हम मान लेंगे कि हाँ ये प्रश्नावली, ये जो सवाल आपको लिख के दिया है इस प्रश्नावली का, ये एकदम सही है। तो क्या काम करेंगे इसके लिए, देखें यहाँ से भाई ये और ये, जब तक ये डैश डैश ख़त्म नहीं होगा तब तक तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये पद कौन सा है, ठीक है, पद का नंबर थोड़ी पता है, तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो चीज़ आ रही है ना यहाँ पर डैश डैश डैश, ये इस तरह का आ रहा है, तो इस पूरे का आंसर समीकरण नंबर एक में आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3k-1 है, तो ये भी 1 से लेकर और 3k-1 तक है, इस पूरे का आंसर इसके बराबर ही तो है, बराबर में आ रहा है ना, तो इस चीज़ को आप यहाँ लिख लेंगे। तो समीकरण एक से हम मान रख देते हैं इसका, और समीकरण एक से हमने मान रखा तो 3k-1, ये माइनस वन नीचे है ना, ऊपर नहीं है, और अपॉन में 2 आ गया, और आगे क्या चल रहा है 3k, सही है, इसका लघुत्तम कर दीजिए यहाँ से,
तो जब हम इसका लघुत्तम करते हैं तो वैल्यू हमको मिलती है 3 की पावर k - 1 + 2 × 3 की पावर k और बटे 2 गई। ठीक है, लघुत्तम कर दिया भाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं था, अपन ने 1 मान लिया, बटे में 1 लगा सकते हैं। जब बटे में 1 लगाएंगे तो ये लघुत्तम होगा, लघुत्तम होगा तो 2 यहाँ पे आके गुणा हो गया, इसके साथ में गुणा हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 2 × 3 की पावर k। सही है, अब देखिए यहाँ से एडिशन करते हैं, भाई ये 3 की पावर k है, ये 2 × 3 की पावर k है, दोनों को मिलाएंगे इनको तो क्या बन जाएंगे, 3 × 3 की पावर k - 1 / 2। ध्यान से देखिए अब क्या कंडीशन है, उधर सॉल्यूशन पर नज़र रखिए कि भाई ये सॉल्यूशन जो हुआ है वो कैसे हुआ है। सॉल्यूशन का तरीका, जैसे ही इसको हमने x मान लिया, ये x है, ये क्या बन गया, ये भी x बन गया, है ना, 3 की पावर k को हम x मान रहे हैं, तो ये x है, ये 2x है, 2x हो गया, तो x और 2x कितने होते हैं, x और 2x को अगर जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3x आएगा, तो 3x ही तो आ रहा है ना। ये जोड़ने में थोड़ा सा हमको अजीब लगता है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल वही है, उसी हिसाब से काम करना होता है। तो ये बन गया 3 × 3 की पावर k। ठीक, अब यहाँ पर हम अपने घातांक नियम का प्रयोग करते हैं, और घातांक नियम क्या होता है, घातांक नियम ये बोलता है कि यदि आधार समान है, भाई 3 है केवल, तो 3 के ऊपर आप 1 पावर लगा सकते हैं, 3 के ऊपर 1 पावर, तो ये क्या बन गया, 3 की पावर 1 और 3 की पावर k। तो आधार समान है, जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ गई, जब घाते जोड़ देंगे तो वैल्यू क्या मिल गई, k+1 - 1/2। सही है, अब चेक करिए कि ये आंसर आ गया, ये RHS के बराबर है, इसको इधर से लिखना, ये RHS के बराबर है। अब कैसे है ये RHS के बराबर, क्योंकि हमने क्या रखा था, n = k+1, और हमने केवल LHS में रखा था ये, यहाँ पे है ना, n = k+1 और केवल LHS का यूज़ किया था, RHS तो नहीं यूज़ किया था। अब हमने इसका सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर प्राप्त हुआ वो ये है। अब इस आंसर को आप इससे मैच करिए कि n = k+1 ही तो रखा था, तो n की जगह पर अगर k+1 रख देंगे तो यही तो आंसर मिलेगा, है ना, ये गणितीय आगमन सिद्धांत है। तो दिखने में बड़ा उलझन भरा लगता है, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है, कि इसमें करना कुछ भी नहीं है, सवाल आपको दिया जाएगा, उसमें n = 1, n = 2, n = 3 रख के पहले तो क्वेश्चन की चेकिंग करेंगे कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया है क्या वो सही है, तो हम ये देखेंगे कि हाँ भाई सही है, LHS RHS दोनों बराबर हैं। फिर हम यहाँ पर n = k रखेंगे, n = k रखकर समीकरण नंबर 1 प्राप्त करेंगे, फिर n = k+1 रखेंगे, जो भी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे ना उससे एक ज़्यादा रखेंगे, कई बुक्स में क्या होता है यहाँ पर n = m रख देता है, ऐसे स्मॉल m रख देता है, n = m, तो अगर m रख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, k रख दो आप, m रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अगला पद होगा m+1, और मैंने अगर k लिया है तो मैंने क्या ले लिया, फिर k+1 ले लिया, है ना, तो k ले लेते हैं तो k+1 लेना पड़ेगा, m ले लेते हैं तो m+1 लेना पड़ेगा, और फिर समीकरण 1 से इसमें मान रख देंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे तो RHS मिलेगा, क्योंकि ये जो कार्रवाई हम कर रहे हैं ना ये केवल LHS को लेके कर रहे हैं, LHS को लेके काम करेंगे, RHS हमको मिल जाएगा, तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये कहलाता है गणितीय आगमन सिद्धांत। अब इसके लिए कुछ सवाल भी दिए गए हैं आपको, तो उन सवालों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसी को एक बार आप रिवाइज ज़रूर करना, अभी कई बच्चे ये कह रहे थे कि भाई क्वेश्चन हमको करने हैं, है ना, तो फिर मुझे लगा कि भाई कोई नॉर्मल क्वेश्चन हम करा सकते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन के आधार पे हम यही करा सकते हैं बस। इसके बाद आ जाइए नंबर नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी टाइप का ही है सेकंड क्वेश्चन। तो आज मैं आपको यही करा देता हूँ दो वीडियो में। देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारा, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, दूसरे क्वेश्चन में भी कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब इसी क्रम में आगे गए, और प्लस n³, और इसका आंसर होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब काम करने का तरीका वही कि भाई क्या क्या काम करना है आपको, देखिए इसमें हम कर लेते हैं, मान लीजिए पहले तो n = 1 रखते हैं, n = 1 रखने पर
एन बराबर एक रखेंगे तो यहाँ से एक पद उठाएंगे तो एल एच एस होगा, एल एच एस एक का क्यूब एक ही होगा, है ना। आर एच एस लेंगे, आर एच एस यहाँ पे एक रखते हैं तो यहाँ एक आता है, यहाँ एक आता है, एक प्लस एक दो हो गया, दो में दो का भाग लग गया, एक आ गया, एक का स्क्वायर किया एक आ गया, तो ये हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। फिर उसके बाद एन बराबर दो रख दिया, एन बराबर दो रखने पर जब दो रख देते हैं तो एल एच एस बराबर एक का क्यूब दो का क्यूब। अब एक का क्यूब और दो का क्यूब क्या आएगा, ये तो एक हो गया, ये आठ हो गया, बराबर क्या आया, नौ आया। अब यहाँ पर भी आर एच एस में भी यही काम करना है, दो रखना है आपको, तो यहाँ दो रखेंगे, यहाँ दो रखेंगे, दो और एक तीन हो गया, इस दो से ये दो कट गया, स्क्वायर कर दिया, नौ आ गया। तो इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। फिर उसके बाद एन बराबर तीन रख दिया, एन बराबर तीन रखने पर तीन रखेंगे तो एल एच एस आता है एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब, तो ये हो गया एक आठ सत्ताईस, है ना, कितने हो गए सत्ताईस, ये हो गए पैंतीस और एक छत्तीस, तो टोटल छत्तीस। यहाँ पर आर एच एस बराबर तीन रखिए, अब यहाँ तीन रखेंगे, यहाँ तीन रखेंगे, तीन और एक चार, चार में दो का भाग लग गया तो दो बच गया, तीन दूनी छः, छः का स्क्वायर किया छत्तीस, तो यहाँ से भी एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। तो तीन बार हम इस काम को चेक करेंगे और तीनों बार हमको सही पाया गया। उसके बाद एन बराबर के रखेंगे, तो एन बराबर के रखने पर जब एन बराबर के रखते हैं तो इस पूरी वैल्यू में एन की जगह पर के रख देते हैं, एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब, इसी क्रम में आगे गए तो यहाँ पर के का क्यूब हो जाएगा और यहाँ जाता है के, के प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर, ये नंबर एक बन गया। फिर उसके बाद एन बराबर के प्लस वन आ जाता है तो एन बराबर के प्लस वन रखने पर, अब देखिए एल एच एस की बात करेंगे केवल इसमें ना, आर एच एस अपने आप आता है, तो एन बराबर के प्लस वन किया, के प्लस वन का मतलब के तक तो हम लिख चुके, एक पद और आगे बढ़ना है तो एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब प्लस 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 के का क्यूब हो गया, एक पद और आगे चले जाइए तो के प्लस वन का क्यूब हो जाएगा। अब इसका आंसर चाहिए भाई, जब तक ये डैश डैश ख़त्म नहीं होगा, बीच की जो संख्याएं छोड़ी हैं इनका आंसर नहीं प्राप्त होगा तब तक सॉल्यूशन हो नहीं सकता। समीकरण एक से मान रख दिया के, के प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर और प्लस के प्लस वन का क्यूब, ठीक है। अब इनका सॉल्यूशन करिए, दोनों में से कॉमन आ रहा है तो के प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, देखिए होल स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, होल स्क्वायर इसमें भी आ रहा है ना, क्यूब आ रहा है यहाँ पर, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन निकाला, बचा क्या के स्क्वायर बटे चार, तो भाई ये बच गया, इसका होल स्क्वायर बच गया, यहाँ पर भी तो होल स्क्वायर है के स्क्वायर बटे चार और प्लस के प्लस वन बच गया, एक पावर बाहर चली गई। इसको अंदर गुणा कर देते हैं, लघुत्तम कर लेते हैं तो ये बन जाता है चार के स्क्वायर प्लस चार के प्लस वन, किसका होल स्क्वायर बन रहा है, कुछ होल स्क्वायर बना टू के, के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस वन आ रहा है, एन एन प्लस वन और टू, ये वो फोर, सॉरी यहाँ फोर आएगा ना, एलसीएम करेंगे तो इसका फोर ही तो आएगा, ठीक है। अब ये बन गया, अब देखिए वो होल स्क्वायर किसका बन रहा है, वो होल स्क्वायर बन गया के प्लस वन का होल स्क्वायर और ये बन गया के प्लस टू का होल स्क्वायर, है ना, और बटे में फोर। अब इनको मिला देते हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के प्लस वन के प्लस टू और अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको इससे मैच करिए, अगर हम के स्थान एन के स्थान पर के प्लस वन रख देते हैं यहाँ पर, तो इधर तो n के स्थान पर अगर k प्लस वन रखेंगे तो k प्लस वन आएगा, तो k प्लस वन आ रहा है। फिर अगर यहाँ पर k प्लस वन रखेंगे तो k प्लस टू आएगा, k प्लस टू आ रहा है, बटे में दो आ रहा है, बटे में दो आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट आर एच एस के इक्वल होगा, है ना। तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत आपका कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से जब हम ये काम करते हैं तो थोड़ा सा आप इस पे प्रयास करिएगा, वैसे तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा काम इसमें है नहीं, और ऐसे ही करके अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा तो उनसे थोड़ा सा सॉल्यूशन हमको मिलेगा और जितना आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतना बेनिफिट मिल जाएगा। लिख लीजिए इसको आराम से, रफ में ही करना है, वही बार बार मेरे पास यही मैसेज आ रहे हैं कि भाई इसको हम फेयर में लिखें क्या, तो फेयर में अभी आपको नहीं लिखना है, फेयर में हम बाद में कराएंगे आपको काम।
तो अपना पूरा ये काम जितना भी है एक रफ़ कॉपी बना लें और रफ़ कॉपी में ही करना है, लेकिन सफाई से करना है थोड़ा सा।